ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक आध्यात्मिक गुरु मुरारी बापू की रामकथा में शामिल हुए। मुरारी बापू की रामकथा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई। ऋषि सुनक ने इस दौरान मुरारी बापू की व्यासपीठ पर जय श्री राम का नारा लगाते हुए पुष्पांजलि भी अर्पित की। यहाँ मुरारी बापू की रामकथा सुनने पहुंचे ऋषि सुनक ने अपने संबोधन में कहा कि भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुरारी बापू की रामकथा में उपस्थित होना सम्मान और खुशी की बात है। वो यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि हिंदू के रूप में शामिल हुए हैं। जय सिया राम। It is truly an honor and a pleasure to be here today at Murari Bapu's Ramkatha, the University of Cambridge, on Indian Independence Day. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. वहीं मुरारी बापू ने ऋषि सुनक के शामिल होने पर कहा कि श्री भगवान हनुमान आपको इतना बल दें कि ब्रिटेन की जनता को उसका फल मिले। आपके नेतृत्व में हनुमान जी आपको इतना बल दे कि ब्रिटिश की जनता को उसका फल प्राप्त हो, यहाँ के जन जन को उसका परिणाम प्राप्त हो। ऋषि जो यहाँ के पद तो कितना बड़ा है, लेकिन एक मूल में भारतीय के नाते भारतीय व्यासपीठ पर आए हैं। मैं पुनः एक साधु के नाते आपका सत्कार करता हूँ। बता दें, पीएम ऋषि सुनक ने मुरारी बापू को लाल शॉल पहनाया। इसके बाद मुरारी बापू ने उन्हें शॉल पहनाकर उनका अभिनंदन किया। मुरारी बापू ने ऋषि सुनक को एक शिवलिंग भी भेंट दिया है। If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.